वफाक वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी ने मुहर्रम अल हराम के सिक्योरिटी इंतजाम के लिए आज इजलास तलब कर दिया। इजलास में अवाम के जान माल के तहफ़ के लिए इकदाम का जायजा लिया जाएगा। मजालिस और जुलूसों के सिक्योरिटी प्लान का भी जायजा लिया जाएगा। मोहसिन नकवी मुहर्रम में अमन आमा की फजा बरकरार रखने के लिए मुतल्लिका हुकाम को जरूरी हिदायत देंगे। वफाक वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी ने मुहर्रम अल हराम के सिक्योरिटी इंतजाम के लिए आज इजलास तलब किया है। तफ़सील जानेंगे आदिल तलोली से। जी आदिल। अभी देखिए मुहर्रम अल हराम सिक्योरिटी इंतजाम बेहतर बनाने के लिए वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी की जानब से अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास जो है वो वजारत दाखला में होगा और इस सिलसिले में अवाम के जान माल के तहफ़ को यकीनी बनाने के लिए जो है वो इकदाम से मुतालिक जायजा भी लिया जाएगा। मजालिस और जुलूसों के सिक्योरिटी प्लान का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में चारों सूबों के आई जी और इस्लामाबाद के आई जी समेत दीगर अफसरान जो है वो शिरकत करेंगे। तमाम अफसरान जो है वो वफाकी वज़ीर दाखला को सिक्योरिटी इंतजाम मुहर्रम अल हराम करने के हवाले से जो है वो भी ब्रीफिंग देंगे। वफाकी वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी ने मुहर्रम अल हराम में अमन आमा और फिजा बरकरार रखने के लिए मुतल्लिका हुकाम को जरूरी हिदायत जो है वो भी जारी करेंगे। जितने भी मुल्क भर में मजालिस और जुलूस होंगी उनके सिक्योरिटी प्लान से मुतल्लिक जो है वो आज के इजलास में जायजा भी लिया जाएगा और तमाम अफसरान वज़ीर दाखला को जो है वो ब्रीफिंग देंगे कि मजालिस और जुलूस के दरमियान कितने अहलकार और के क्या सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया जाएगा। इस तमाम तर सूरत हाल पर आज वफाकी वज़ीर दाखला की ज़ेर-ए-ज़ारत इजलास होगा।